तो दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर कतर में जॉब कैसे मिल सकती है यदि आपको कतर में जॉब चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ की लाइफ स्टाइल इंजॉय करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो कतर में जॉब के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा दो वेबसाइट्स। पहला है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, वो है naukri.com। बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं और बहुत सारे जॉब ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है qa.jobble, jobli.org। वो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है स्पेशली कतर के लिए, और बहुत सारे लोग जिनको कतर में जॉब चाहिए उन्होंने अपनी प्रोफाइल इन दो वेबसाइट्स पर बना करके रखी है। आप अपना रिज्यूम अपलोड करो, जो भी एक्सपीरियंस है वो मेंशन करो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपना रेडी रखो। तो इन दो वेबसाइट्स हैं पॉपुलर, वहाँ आप जॉब रिसर्च कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उन्हें अप्रोच कर सकते हो, या फिर आपकी प्रोफाइल उन्हें अच्छी लगी तो वो खुद आपको अप्रोच करेंगे कि आओ हमारे पास आप जॉब करो। वहीं बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। आपका पासपोर्ट रेडी रखो, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रेडी रखो, क्योंकि ज़्यादातर जो है कतर वो आपसे PCC डिमांड कर सकती है, तो वो भी आप रेडी रखो। साथ में फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, रिज्यूम रखो, CV रखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपना रेडी रखो। इतना ही नहीं, यदि आपने प्रीवियस कंपनी में रिज़ाइन कर दिया है तो उसका रिजिग्नेशन लेटर आप अपने साथ में रखो, और जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आप रेडी रखो। वो आपसे मांगा जा सकता है और उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में आपको रखना होगा और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो भी आप तैयार रखो। जैसे कि बैंक अकाउंट एक आप खुलवा लो जिसमें आपकी सैलरी आ सकती है, या फिर कतर में ही आपकी एक नई बैंक अकाउंट खुल जाएगी, ये निर्भर करता है कंपनी पर। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो कतर जो है वो अच्छी खासी सैलरी हम इंडियंस को पे करता है। ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें 2000 कतरी रियाल आपको देता है, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 45,000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाता है ऑन एन एवरेज। वहीं बात करें तो सैलरी है तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा है, नो डाउट अच्छे खासे पैसे आपके खर्च होंगे, यानी कि लगभग 1600 1700 1800 कतरी रियाल तो आपका खर्च ही हो जाएगा, लेकिन 200 300 400 500 रियाल भी बचता है तो काफ़ी होता है। तो होपफुली आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, मुझसे कुछ छूट गया है तो ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँ।